हेलो, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का लक्ष्य सिविल सर्विसेज गोपालगंज के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं ससी डायरेक्टर लक्ष्य सिविल सर्विसेज स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस शॉर्ट लेक्चर के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे जो भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के द्वारा जो अभी कल के न्यूज़ में ये था कि जो सर्कुलेशन से बाहर कर दिया गया है 2000 रुपये के मूल्य के नोटों को। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि लीगल टेंडर क्या होता है, नॉन लीगल टेंडर क्या होता है और ये किसके पास अधिकार है नोटों के परिचलन में लाना, नोटों को फिर से वापस लेना, ये सब RBI की किस नीति के तहत ये सारे कार्य किए जाते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। इस पर अफवाहें भी काफ़ी ज़्यादा है कि वो 2016 में जो नोटबंदी हुआ था उसके तैसा है और लोग लाइन में जमा होकर पूरा लाइन में लग कर ये नोटों को जमा करेंगे बैंक में। कुछ लोग को ये भी मतलब कुछ लोग तो ये भी कर रहे हैं कि 10,000 मतलब 20,000 से अधिक नोट नहीं जमा कर सकते हैं। तो किसके लिए क्या फाउंडेशन लगाएगा और किस प्रकार से आप इन सभी नोटों को 23 सितंबर तक जाकर अपने बैंक में जमा कर सकते हैं, इन सारे मुद्दों पे हम बातचीत करेंगे। छोटा सा 10-12 मिनट का वीडियो होगा, थोड़ा सा ध्यान से समझे। तो ऊपर हेडलाइन आपका ये दैनिक जागरण न्यूज़पेपर का है, प्रचलन से बाहर हों दैनिक जागरण न्यूज़पेपर का है कि प्रचलन से बाहर होंगे 2000 रुपये के नोट। कहने का मतलब कि यहाँ पे ठीक है 2000 रुपये के नोट बाहर होंगे लेकिन RBI ने जारी किया जो 30 सितंबर से जमा करेंगे मतलब मिलेगी सहूलियत, मतलब इसको जमा कर सकते हैं। हालांकि ये प्रचलन मतलब सर्कुलेशन में अब नहीं होगा, मतलब RBI 2000 रुपये के नोट जारी नहीं करेगा या बैंक या जहां से सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है वहां से कोई 2000 रुपये का नोट मार्केट में नहीं आएगा। तो ये सर्कुलेशन से बाहर हो गया लेकिन ये कंटिन्यूअस वे में अभी भी लीगल टेंडर रहेगा। लीगल टेंडर का मतलब होता है कि देखो किसी भी देश की करेंसी अगर भारत की ही बात करें तो दो प्रकार से डिवाइड होती है, एक होता है नॉन लीगल टेंडर और एक होता है लीगल टेंडर। जो लीगल टेंडर होता है उसी को हम फियाट मनी के नाम से भी जाते हैं। ये इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक है जहाँ पे मनी एंड बैंकिंग टॉपिक है जहाँ पे ये सारी चीज़ें डिस्कस की जाती हैं। तो लीगल टेंडर का मतलब ये होता है कि देखो मान लो कि एक सिक्का है, सिक्का सोने का सिक्का, तो सोने का सिक्का है तो उसका एक आंतरिक वैल्यू होता है कि सोने का जो भी प्राइस होगा तो सोने के सिक्के पर उसका प्राइस लिखा होता है। तो उसमें सोने का सिक्का बेच देंगे तो फिर उतना पैसा आपको मिल जाएगा। लेकिन जो ये मुद्रा है मान लो कि 2000 रुपये के नोट है जिसको भारत सरकार को छापने में 4 से 5 रुपये, वो कागज का एक टुकड़ा है, फिर भी सभी लोग इसको लेने के लिए बाध्य क्यों हैं? तो आप देखते हैं क्योंकि ये लीगल टेंडर है, सरकार ने इसको लीगल टेंडर या RBI ने इसको लीगल टेंडर के रूप में यानी वैधानिक मुद्रा के रूप में वैधानिक मुद्रा का दर्जा दिया हुआ है उसको। कहने का मतलब वैधानिक मुद्रा इन द सेंस कि आप देखते हो कि 2000 के नोट पे या कोई भी नोट पे लिखा होता है कि मैं धारक को 2000 रुपये का अदा करने का वचन देता हूँ। कहने का मतलब वो वैधानिक इसलिए है क्योंकि वो कानूनी रूप से पूरे भारत में कोई भी व्यक्ति उसको लेने से मना नहीं कर सकता, इसलिए उसको लीगल टेंडर या फिर वैधानिक मुद्रा या फिर उसी को फियाट मनी के नाम से जाना जाता है। अभी RBI ने बोला है कि 2000 का नोट जो सर्कुलेशन से अभी बाहर किया जाएगा, सर्कुलेशन मतलब मार्केट में वो सर्कुलेट नहीं होंगे लेकिन कंटिन्यू ये लीगल टेंडर है, मतलब 2000 रुपये के नोट अभी भी आप किसी को व्यक्ति को देते हैं तो वो लेने से मना नहीं कर सकता है। जबकि 8 नवंबर 2016 को जो नोटबंदी हुई थी उसमें स्पीच में प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा था कि आज रात्रि 12 बजे से 5,500 और 1,000 के नोट लीगल टेंडर से बाहर हो गए। लीगल टेंडर से बाहर मतलब कि रात्रि 12 बजे के बाद से कोई भी व्यक्ति अब उसको लेने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन ये किया कि सर्कुलेशन से बाहर है लेकिन वो कंटिन्यू अभी लीगल टेंडर में रहेगा, मतलब 23 सितंबर तक आप भारत के मार्केट में कहीं पे भी आप किसी को जमा कर सकते हो, उसको लेने से वो मना नहीं कर सकता है। तो आइए थोड़ा सा न्यूज़ को पढ़ लेते हैं कि क्या ये न्यूज़ है। तो RBI ने RBI ने 2000 के नोटों को पूरी तरह से वापस लेने का फैसला किया है। नवंबर 2016 में नोटबंदी के समय बाजार में उतारे गए नोटों का आम जनता को 23 मई से 30 सितंबर 2022 तक अपने बैंक की शाखाओं में जाकर या तो बदला सकती है या फिर अपने खाते में जमा कर सकती है। मतलब किसी भी बैंक के ब्रांच में जाकर आप इस पैसे को चाहे तो बदल सकते हैं, मतलब 2000 का रुपया का नोट देकर 400-500 के नोट्स को ले सकते हैं या फिर अपने खाते में उसको क्या कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। केंद्रीय बैंक ने कहा कि उसमें क्लीन नोट पॉलिसी RBI की एक नीति है, जब नोट पुराने हो जाते हैं तो उसको चेंज करके फिर दूसरे नोट लाती है। अब मान लो कि 2000 के ही नोट है, 2016 में सर्कुलेशन में आया हुआ था, 2016 के बाद से आप देखोगे तभी 7 साल हो गया है लगभग, तो धीरे धीरे नोट पुराने होते जा रहे थे। तो क्लीन नोट पॉलिसी का मतलब ही होता है कि पुराने नोटों को सर्कुलेशन से बाहर ले लेती है और उसके बदले नए नोटों को वो क्या करती है, छापती है। तो क्लीन नोट पॉलिसी के तहत 2000 रुपये के नोटों को प्रचलन से बाहर करने का फैसला किया है, हालांकि इनकी वैधता बनी रहेगी। वैधता यहाँ पर देख रहे हैं ना, लीगल टेंडर इसका क्या होगा, बना रहेगा, यानी कोई भी व्यक्ति इसके लेन देन से इनकार नहीं कर सकेगा। अभी बोले कि लीगल टेंडर है तो भारत में कहीं पे भी इसको लेन देन से इनकार नहीं किया जा सकता है। बैंक
बैंक ग्राहक अपने बैंक खाते में 2000 रुपये के नोटों को कितनी भी राशि जमा कर सकते हैं। तो 10000 जो सुन रहे हैं कि 10 ही नोट जमा कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आपका बैंक में खाता है तो कितनी भी राशि आप जाकर अपने बैंक में जमा कर सकते हैं। लेकिन अगर खाता आपका बैंक में नहीं है, अगर बैंक अकाउंट में आपका खाता नहीं है, तो एक बार में सिर्फ 20000 रुपये के मूल्य के नोटों को ही आप क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। कहने का मतलब कि 30 सितंबर तक आपके पास, अगर बैंक में आपका अकाउंट है तो आपके पास जितने भी 2000 के नोट है सबको आप ले जाकर जमा कर सकते हैं। कितनी भी मूल्य के हो, 2000, 5000, 10000, 20000, 1 लाख, 2 लाख, जितना भी हो सब जमा कर सकते हैं। लेकिन अगर बैंक अकाउंट आपका नहीं है तो अधिकतम 20000 तक ही आप नोट को एक्सचेंज कर सकते हैं। मतलब 2000 को देकर 500 रुपये के नोट आप या कोई भी मतलब नोट प्राप्त कर सकते हैं। गौरतलब है कि 8 नवंबर 2016 को, यानी पिछला जो बंदी हुआ था, रात्रि 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की घोषणा के बाद 501000 रुपये के नोटों को प्रतिबंधित कर दिया गया था और 2000 रुपये के नए नोटों को प्रचलन से बाहर करने की उम्मीद पहले से ही थी। मतलब कि जब 2000 का नोट आया था तो अभी तो आप देख रहे थे ना सर्कुलेशन में बहुत कम, आपके पास भी कम ही 2000 का नोट पहुंच रहा था। तो ऐसा तो पहले से ही उम्मीद था कि धीरे धीरे RBI इसको धीरे धीरे कम करते करते एक समय इसको परिचालन से क्या कर देगी बाहर, क्योंकि बहुत ही नियोजित तरीके से इस बारे में RBI कदम उठा रहा था। बैंकों को निर्देश था कि वो काउंटर पर आए 2000 नोटों को दोबारा प्रचलन में देने से बचे और RBI को लौटा दे। मतलब RBI ने बैंकों को पहले से ही ऑलरेडी ये निर्देश दे चुका था कि जो भी उसके पास 2000 के नोट आ रहे हैं दोबारा उसको पब्लिक के बीच ना जाने दें, उसके पास जो भी नोट आ रहा है उसको जमा कर दे RBI में और वहां से दूसरे मूल्य के नोट 500 और समथिंग प्रकार के नोट्स को लेकर जाएं, बचे लौटा दे। शुक्रवार को भी बैंकों को कहा गया कि वे 2000 नोटों को ग्राहकों को नहीं दे, मतलब जो उनके पास सब जमा होगा वो ग्राहकों को नहीं दे। RBI ने दावा किया कि प्रचलन में दूसरे मूल्य के नोट पर्याप्त संख्या में, कहने मतलब इससे कोई दिक्कत नहीं होगा, 2000 के नोट अगर जमा करते हैं तो मार्केट में उतना पर्याप्त 500 और 100 इस प्रकार के नोट है कि कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। RBI के अनुसार 31 मार्च 2018 तक 6.3 लाख करोड़ रुपये के 2000 मूल्य के नोट प्रचलन में थे, मतलब लगभग 7.25 लाख करोड़ रुपया 2000 के नोट प्रचलन में था। यह प्रचलन मौजूद कुल नोटों का करीब 37% मतलब 2000 के नोट थे। 31 मार्च 2023 तक प्रचलन के बावजूद 2000 के नोटों का मूल्य अब भी, मतलब अभी वर्तमान में बात करें तो अभी 3.62 लाख करोड़ रुपया टोटल 2000 का नोट अभी प्रचलन में है और इतना है। अब धीरे धीरे ये वापस चला जाएगा और इसके जगह पे दूसरा मतलब नोट यहाँ पे आएगा। हेडलाइन की बात करें तो यहाँ पर दिया हुआ, ग्राहक बैंक खाते में 2000 नोटों को कितनी भी जमा कर सकते हैं। मतलब आपका बैंक में अकाउंट है, आपके पास जितने भी 2000 के नोट है वो सबको ले जाकर आप बैंक अकाउंट में जमा कर सकते हैं। अगर आपका खाता नहीं है तो आप 20000 से अधिक नहीं बदल पाएंगे, यानी 10-2000 के नोट ही आप एक्सचेंज कर पाएंगे। केंद्रीय बैंक ने कहा कि क्लीन नोट पॉलिसी के तहत वापस लिए जाएंगे 2000 के नोट। क्लीन नोट पॉलिसी मतलब वो पुराने जो नोट हो जाते हैं उसको वापस लेके फिर नए नोट जारी किया जाता है, कुछ इस प्रकार से। बैंक के ग्राहकों को 2000 रुपये के नोट नहीं देने को दिया गया निर्देश। मतलब कोई भी बैंक में अब जाएगा भाई अपना पैसा, मान लो कि 1 लाख रुपया बैंक से निकालना है, तो बैंकों को ये निर्देश दिया गया कि वो 2000 के नोट अब पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट ना करें या पब्लिक को 2000 के रुपये के नोट ना दें। 30 सितंबर के बाद 2000 के नोटों की वैधता को लेकर स्थिति साफ नहीं है। मतलब अब 30 सितंबर के बाद ये नोट चलेंगे या नहीं चलेंगे इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा गया है। फिलहाल इसको सर्कुलेशन से बाहर रखा गया है, लेकिन एज इट इज जैसे पहले मतलब वो लीगल टेंडर था, अभी भी वो लीगल टेंडर है। मतलब अभी भी भारत के मार्केट में कहीं पे भी आप ये 2000 रुपए के नोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। लीगल टेंडर से यानी वैधानिक मुद्रा है, अभी भी इसको मतलब पे मतलब किया जा सकता है, इसको लीगल टेंडर से अभी बाहर नहीं किया गया, बस सर्कुलेशन मतलब प्रचलन से धीरे धीरे अब इसको क्या कर दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा, वही बात लिखा हुआ है। ठीक है, 2000 रुपये के नोटों को बैंक खाते में जमा करने और बदलने के लिए किसी प्रकार के अपने ग्राहक को जानो, मतलब ये KYC वगैरह के कुछ भी झमेला नहीं होगा कि अलग से अपना कोई डॉक्यूमेंट दे दीजिए तब आपका इतना पैसा जमा होगा। आप सिंपल वे में जैसे आप अपना पैसा अकाउंट में जमा करते हैं वैसे जाकर यहाँ पे जमा कर सकते हैं। ग्रामीण इलाकों में चाहे कहीं पे भी बैंकों को बुजुर्गों और पेंशन भोगियों का आसानी से नोट बदलने की सहूलियत होगी। मतलब जो बुजुर्ग लोग हैं उनको कुछ स्पेशल फैसिलिटी वगैरह दी जाएगी। तो इस प्रकार से ये न्यूज था कि 2000 के नोट, तो सिंपल सा अगर इसको कंक्लूड करें कि 2000 के नोटों को सर्कुलेशन यानी परिचलन से बाहर हो गया है, लेकिन एज इट इज जैसे पहले वो मतलब वो लीगल टेंडर के रूप में था, वैधानिक मुद्रा के रूप में था, अभी वो ये कंटिन्यू रहेगा वैधानिक मुद्रा के रूप में। तभी भी आप मार्केटिंग शॉपिंग वगैरह कुछ भी करना चाहते हैं आराम से अपने 2000 रुपये के नोट का इस्तेमाल करके आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि ये कंटिन्यूस वे में अभी भी वैधानिक मुद्रा है और 30 सितंबर तक अभी ये लीगल टेंडर रहेगा। उसके बाद होगा या नहीं होगा इस पर अभी कोई डिसीजन नहीं है। RBI हो सकता है कि कुछ दिन के बाद इसको क्या करे, क्लियर करे। ठीक है, तो आपके पास भी नोट होगा, अगर बैंक में खाता है तो कितना भी नोट जमा कर सकते हैं, अगर बैंक में खाता नहीं है तो लगभग 20000 तक
नोट को ही आप बैंक से एक्सचेंज करा सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम समझे कि लीगल टेंडर, नॉन लीगल टेंडर। लीगल टेंडर क्या होता है, यानी सरकार जो कागज की वो टुकड़े की मुद्रा होती है तो उस पर जो अपने वो पे करने की वादा करते हैं उसी को लीगल टेंडर या वैधानिक मुद्रा के नाम से जाना जाता है। आई होप ये करंट के टॉपिक आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं कि फिर किसी नेक्स्ट करंट टॉपिक पे। धन्यवाद।